हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन जोशी रानीखेत में। और आज हमारे साथ है राणा जी। तो राणा जी अब बताएंगे हमें कि आगे हम आज कहाँ जाने वाले हैं, आज आपको हम कहाँ घुमाने वाले हैं। तो चलिए राणा जी से अब करते हैं आगे की बात। राणा जी शुरू करेंगे और हम वाहन आगे को चलाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन जोशी रानीखेत ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रानीखेत में गोल्फ कोर्स ग्राउंड की ओर, जो रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी अल्मोड़ा रानीखेत रोड पे पड़ता है दोस्तों। और ये गोल्फ कोर्स अपने में एक सुंदरता, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और इसकी एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है दोस्तों। यहाँ 9 गड्ढे हैं और इसकी सुंदरता बखान नहीं कर सकते दोस्तों। चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ और बिल्कुल हरी भरी घास, जो अपने आप में एक अद्भुत है, अविश्वसनीय है दोस्तों। तो दिखाते हैं आपको गोल्फ कोर्स की पूरी गतिविधियां और पूरे नज़ारे। दोस्तों, अगर आप राणा जी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और चलिए अब चलते हैं आगे को और आपको थोड़ा सा नज़ारा आगे का दिखाएंगे और उसके बाद सीधे मिलते हैं गोल्फ ग्राउंड में। जी, तो आप बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। और ये गोल्फ कोर्स के लिए अल्मोड़ा रानीखेत मोटर मार्ग है दोस्तों ये। और ये आपको ले चलेगा गोल्फ कोर्स की तरफ, रानीखेत से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे अल्मोड़ा वाली रूट पे। तो एक बार ज़रूर आइएगा, देश विदेश से सैलानी यहाँ देखने के लिए आते हैं गोल्फ कोर्स को। और काफ़ी सुंदर है, ये शूटिंग रेंज है। तो यहाँ पर जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे सर हमको जूम करके दिखाएंगे वहाँ से, वहाँ पे शूटिंग करेंगे सामने। जूम नहीं होगा ना, हो जाएगा दोस्तों। अभी हम गाड़ी में हैं तो क्लियर हम नहीं दिखा पाएंगे, जिसके लिए खेद है हमें। तो आप बने रहिए, आगे आपको गोल्फ कोर्स दिखा जाएगा और इन हसीन वादियों का लुत्फ़ लीजिए दोस्तों। काफ़ी सुंदर नज़ारे सिर्फ जो आपको जोशी जी के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, रानीखेत नवीन जोशी रानीखेत। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां। यहाँ से आगे राणा जी गाएंगे हमें। जी हाँ, हमें गाने याद नहीं होते, हमें गानों के उतने शौकीन नहीं है हम, जितने हम पहाड़ी गानों के शौकीन है बस। तो हमें पहाड़ी गाने आते हैं। तो राणा जी आपको प्रकृति पर एक बहुत ही अच्छा पहाड़ी गाना सुनाएंगे, आप देखते हैं कौन सा गाना सुनाते हैं। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कैसी मीठी वाणी, छोड़े नी लागनी हो, छोड़े नी लागनी। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कैसी मीठी वाणी, छोड़े नी लागनी। दोस्तों, ये मार्ग जाता है नीचे वाला द्वाराहाट को, और ये जो सीधे जा रहा है ये अल्मोड़ा को जाता है दोस्तों। और इसी के जस्ट आगे है गोल्फ कोर्स, जो आपको दिखाया जाएगा। आप बने रहिए नवीन जोशी रानीखेत ब्लॉक में और आनंद लीजिए इस रमणीय स्थल का, जो अपने आप में एक अद्भुत है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गोल्फ ग्राउंड। तो आपको अब दिखाते हैं यहाँ से आगे की जो है ग्राउंड आपका। तो आज हमें भाग्यवश खुला मिल गया है, वैसे दिन में खुलता है, हम शामी को आते थे हमेशा। तो चलिए दिखाते हैं, आप ज़्यादा बातें न करते हुए आपको आगे का दिखाते हैं नज़ारा। ये देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, डिफेंस लैंड नो एंट्री विदाउट परमिशन। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ग्राउंड है और राणा जी पूरा लुत्फ उठाते हुए ग्राउंड का। दोस्तों, ये है गोल्फ कोर्स जो रानीखेत में है अल्मोड़ा जिले में। और दोस्तों, ये गोल्फ कोर्स एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे 9 गड्ढे हैं, 9 गड्ढे वाला गोल्फ कोर्स है। तो दोस्तों आनंद लीजिए, जो जी दिखाइए आगे के नज़ारे। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नज़ारा आप देख सकते हैं। तो
अब आगे आगे हम चलते रहेंगे और आपको दिखाएंगे आगे का पूरा नज़ारा। बहुत ही बेहतरीन गोल्फ कॉर्नर आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी भी आप रानीखेत आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आइए और इस जगह का लुत्फ़ लीजिए। तो अभी क्योंकि बरसात का थोड़ा टाइम है तो घास की कटिंग नहीं हुई है, तो फिर ये थोड़ा प्रॉपर इसकी कटिंग हो जाएगी तो फिर बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो आप कभी भी अगर रानीखेत आते हैं तो यहाँ पर आइए और मज़ा लीजिए इस जगह का। यहाँ पर आप YouTube शॉर्ट्स के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं और अपने Instagram के लिए रील्स बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। तो राणा जी भी इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं राणा जी ऑफिशियल 93 करके Instagram में पेज है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है, पूरा चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ, क्योंकि ये डिफेंस लैंड है तो इसकी फेंसिंग हो रखी चारों तरफ से। और बहुत ही बेहतरीन आज हमें भी दूसरी बार आने का मौका मिला है। पहली बार तो हम क्यों आए थे हमें भी पता नहीं है, लेकिन दूसरी बार आए हैं हम राणा जी के साथ। और राणा जी यहाँ पर सेल्फी का आनंद लेते हुए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी गाय वाय के लिए भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो ये घास होती है वो गाय चर लेती है। तो आप देख सकते हैं पूरी गायें गैयाएँ आ रखी हैं उधर, और ये इसलिए है क्योंकि इसमें अगर हम गाय या जानवरों को छोड़ देते हैं तो वो जो बड़ी घास होती है उसको बढ़िया करके चर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, जिससे कि ग्राउंड की घास बड़ी नहीं होती है, अच्छा हो जाता है ग्राउंड। तो इसका भी कुछ टाइम लिमिटेशन होती है, उसी टाइम में ये खोलते हैं। तो बने रहिए आप वीडियो में, आपको हम पूरा ग्राउंड दिखाने वाले हैं अभी। वीडियो बंद करो, मेरी फोटो लो। और राणा जी यहाँ पर बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं फोटो लेने के लिए, तो हम अभी राणा जी की फोटो लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये हरा भरा ग्राउंड देख सकते हैं आप, तो बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्फ ग्राउंड का पूरा नज़ारा। तो यहाँ पर जो हैं गोल्फ कोर्स, 9 गोल्फ के गड्ढे हैं, तो उसमें से एक गड्ढा बस आने वाला है, आपको दिखाते हैं अभी हम आपको। आप देख सकते हैं उसका जो एक गड्ढा है ये बना हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरा रेती रेत का बना होता है, इसमें रेत होती है पूरी, आप देख सकते हैं पूरा रेत का बना हुआ है। और ये गोल्फ उसका जो गड्ढा है ये है, उसका जो एक गड्ढा दिख रहा है वहाँ पर देख सकते हैं, और इसके ऊपर जाना मना है तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रा, उसके ऊपर जाना मना है। और ये आप देख सकते हैं ग्राउंड पूरा प्रॉपर, यहाँ पे इतना बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही अच्छा। राणा जी को देख सकते हैं आप, पूरे मजे ले रहे हैं यहाँ पर, रील बनाने के उद्देश्य राणा जी यहाँ पर आए हुए हैं और खूब मजे ले रहे हैं। और दोस्तों जो 7 ऐसी होल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रोड ये यहाँ से हाईवे गया है अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे, उसके उस साइड जो है अभी हम उस साइड तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक बार। तो चलिए चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं उस साइड के जितने भी होल्स हैं, और हाईवे से दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर राणा जी ने दौड़ लगा दी है और पीछे पीछे हम भी दौड़ रहे हैं राणा जी के। राणा जी लग रहा है गाय बकरी के ग्वाला जाने वाले हैं, दौड़ लगा दी है इन्होंने। तो राणा जी यहाँ पर पूरा लुफ्त ले रहे हैं गोल्फ ग्राउंड का। राणा जी ने धुआं निकाल दिया दौड़ा दौड़ा के। दोस्तों ये है रानीखेत अल्मोड़ा मोटर मार्ग, और उस तरफ जो ग्राउंड है वो भी गोल्फ ग्राउंड ही है। ये रोड के इधर की साइड है और रोड की उस तरफ, तो उस तरफ थोड़ा सा क्लोज कर रखा है, तो वहाँ टूरिस्ट को नहीं जाने देते हैं। तो जो और जो 8 जो गोल्फ ग्राउंड के होल हैं वो उस साइड ही है, इस साइड सिर्फ एक है जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अच्छा, 8 होल उस साइड है जी। और राणा जी हमारे साथ में हैं गोल्फ ग्राउंड का लुफ्त ले रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, शुक्र अनुभव जोशी के साथ, आज का दिन हमारा बन गया, मज़ा आ गया कुल मिला के। तो एक बार आप भी जरूर आइएगा इधर और आनंद लीजिए इस गोल्फ कोर्स का, खूब सेल्फी लीजिए, ढेरों सारा रील बनाइए, ब्लॉग बनाइए, बहुत आनंद लीजिए, पूरा भरपूर आनंद दोस्तों। तो एक बार जरूर आइएगा। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और दोस्तों कल्स भी आ रखी हैं, आप देख सकते हैं।
नहीं देख पा रहे होंगे, राणा जी देख रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं, देखिए राणा जी पूरा लुत्फ ले रहे हैं मौसम का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।